रामगढ़ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता मिली है। रामगढ़ पुलिस ने दो अपराधी के साथ 6 मोटरसाइकिल जब्त किया है। बता दें कि पतरातू थाना अंतर्गत पेपर मोड़ के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरना उच्च विद्यालय से आगे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, रोकने पर वह भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। जब उनसे कागजात की मांग की गई तो कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया गया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। शाम को एक इनपुट मिला था कि टेरपा मोड़ के पास कुछ लोग चोरी की बाइक लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पर थाना प्रभारी के द्वारा चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के दौरान एक बाइक पर दो लोगों को वहाँ पकड़ा गया। वो बिना नंबर की बाइक थी और जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वो भागने लगे। सब्सिक्वेंटली उनको भागकर पकड़ा गया और उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो जो बाइक जिस पर आ रहे थे वो चोरी की बाइक थी, उसको उन्होंने मांडर थाना रांची से चुराया था और उसको फिर वो पतरातू की तरफ बेचने जा रहे थे। उसके बाद उनसे जब और पूछताछ की गई तो उन्होंने दो और लोगों के नाम बताए और एड्रेस बताया, जिनके नाम हैं आनंद कुमार साव और शिवम कुमार साव। ये दोनों टेरपा के रहने वाले हैं, थाना पतरातू के ही रहने वाले हैं। वहाँ पर भी जब रेड की गई तो उनके पास से टोटल 5 बाइक्स बरामद की गई इन तीनों लोगों के घर से, और उन 5 बाइक्स को जब्त कर लिया गया। तो कुल मिलाकर 6 मोटरसाइकिल इस केस में बरामद हुई है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बेसिकली एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, इसमें मांडर और लोहरदगा और रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों से ये लोग चोरी करते हैं और प्लान कर रहे थे। और इसको चारों थाना क्षेत्र में 1 महीना पहले लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। भारत फाइनेंस कंपनी कलेक्शन करता था रोहित कुमार ठाकुर पैसा कलेक्शन करके मांडर ऑफिस में जमा करने जा रहा था। इसी क्रम में 3 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल में टक्कर मारा और मोबाइल टाइप 10,49,167 रुपये छिनतई कर लिया। अपराधी फरार हो गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक खिलाड़ी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और जेल में भेज दिया। 1 महीना पहले केस दर्ज हुआ था लूटपाट का, जिसमें से भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन बॉय के रूप में काम करने वाला रोहित कुमार ठाकुर जो पैसा कलेक्शन करके और हेडक्वार्टर में जाके जमा करने जा रहे थे मॉडल में, तो उसी क्रम में 3 लड़के अपाची गाड़ी से आए और उनके गाड़ी में डैश किए, डैश कर उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए, उनके पास टैब था वो जिसमें डिटेल्स रहता है वो डिटेल्स ले लिए और 1,49,167 रुपया 3 जगह से कलेक्शन किया हुआ तो वो लेके और वहाँ से फरार हो गए। मारपीट भी किए, चूँकि उसमें कहीं कुछ ये थाना से 25 किलोमीटर बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, जंगली क्षेत्र है, ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें अथक प्रयास करके रंजन जी जो सब अब थाना प्रभारी हैं और वहाँ PSP साहब के नेतृत्व में टीम बना, हम लोग भी मॉनिटर किए उसमें, और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें अग्नू पाहन, विजय उरांव और दीपक ठाकुर। जो पाकुड़ में आदिवासी समाज के लोगों ने ओलचिक्की सहित कई मांगों को लेकर दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क को जाम किया और नारेबाजी की। सड़क जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, साथ ही घंटों तक आवागमन बाधित रहा। उनकी मुख्य मांगों में संथाली भाषा का ओलचिक्की लिपि से पुस्तकों का मुद्रण और पठन पाठन प्रारंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली करने, संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना शामिल है। एक दिवसीय बंदी का आह्वान है और इस बंदी में हमारी मांग है यही कि ये शिक्षा नीति जो है 2020 का नई शिक्षा नीति के तहत 1 से 5 तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में हो, और यही है हमारी मांग। फिर यह है कि KG से PG तक की पढ़ाई संताली में होना चाहिए। आलिया ओका होर भाषा लागू करना और सरकार तीन धरी बाय लागू ये तलिया और ओका दो 2003 रे संविधान रे 8वीं सूची रे पास करना संताली ओल चिकी लिपि और उनाते गोटा स्कूल ओल करना और उना ये ते आले निधरी सरकार ले मिताय करना जे KG कोई PG धरी जमन सांताली ते पढ़ाई हुई मा और सांताली महाशय को से माचेद को बहाली मा और जो तो गिद्रे को गोगो अड़ंग ते जमन को चीत उना खतीर आले तीन नुआ झारखंड ले बंद कदा पूरे झारखंड रे बंद मिना चिदा से 5 जून
एमावदी थे मिट चिठी बोले 27 जून धरी ते आम जहाना नुआ संताली भाषा लगी ते चिकाय में और उना बाय चिका लेते तिहिं आले पूरे झारखंड रे ले बंद कदा ऑल चिकी होल बैसी के ओर से एक दिवसीय बंदी का वन है और इस बंदी में हमारी मांग है यही कि ये शिक्षा नीति जो है 2020 का नई शिक्षा नीति के तहत 1 से 5 तक की कुजू संथाल समाज के लोगों ने ओल चिकी लिपि की उपेक्षा कर उसे देवनागरी लिपि में छापने के विरोध में रामगढ़ जिला के कुजू नया मोड़ फोरलेन को जाम किया, जिससे फोरलेन सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों छोटे बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। मौके पर महादेव मांझी ने बताया कि हम लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए पिछले 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि पुस्तक का मुद्रण और पठन पाठन को प्रारंभ करने सहित संथाली शिक्षक की बहाली, संथाली भाषा को पंचम राजभाषा का दर्जा देने और संथाली भाषा के अकादमी का गठन करने की मांग रखी गई थी। अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग नया मोड़ कुजू में सड़क पर उतरे हैं। यह मांग विगत जून महीना 5 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया था और यह अल्टीमेटम भी दिया था कि 27 जून तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 4 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे और 12 घंटा सड़क जाम करने का काम करेंगे। और यह मांग है कि 2005 में 9 में 19 में ओल चिकी से जो ओल चिकी स्क्रिप्ट है इससे किताब छपाई गई और वितरण पढ़ाई के लिए दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। इस बार झारखंड सरकार इसको देवनागरी से छपाई करने का काम कर रही है, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं कि जो हमारी लिपि है उसी से इसकी छपाई करें और KG to PG तुरंत पठन पाठन चालू करें। दूसरा हम लोग का मांग है कि जो ओल चिकी एकेडमी है उसका गठन हो। तीसरा मांग हम लोग का है जो शिक्षक बहाली, ओल चिकी पढ़ाई तो सभी शिक्षक नहीं करवा सकते हैं तो ओल चिकी पठन पाठन के लिए शिक्षक नियुक्ति तुरंत हो। साथ ही साथ जो चौथा है यह है कि आज तक 23 साल हो गई इस प्रदेश का, आज तक इस प्रदेश में कोई भी भाषा इस प्रदेश का नहीं है। हम बहुल आदिवासी होने के चलते हम यह मांग करते हैं कि जो आदिवासी में संताली भाषा है इसको राजकीय भाषा घोषित करें। और यह मांग इस प्रदेश के कम से कम 6 संगठन इस मांग को लेकर के समर्थन किए हैं और आज हम बंदी में उतरे हैं। आज हम लोग का 12 घंटा बंद रहेगा। आज हम लोग अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग नया मोड़ कुजू में